घूम के पूरा आंकड़ा लगाइए, सबसे मतलब ज्यादा जमीन किसके पास है? कुर्मियों के पास। क्यों? क्योंकि यहाँ का मूल वासी मूल भूमि कोड है, इसीलिए हमारे पास जमीन है, इसीलिए हम लोग आदिवासी 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 था, यहाँ का सबसे पुराना हम लोग है, इसीलिए हम लोग आदिवासी है। हम लोग थोड़ा बोल रहे हैं कि हम लोग आदिवासी करो, हम लोग पहले थे और उसको तुम क्यों हटा दिया? लड़ाई यही है, लड़ाई अपना वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, मिट्टी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अपना मिट्टी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये नहीं कि हमारा आरक्षण मिल गया तो हम कहीं आरक्षण की भी नहीं, अपना सबसे पहला तो मेरा मिट्टी बचे, मिट्टी बचे, संस्कृति बचे, तब ना हम आदिवासी हैं। मतलब ये पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है हम लोग। नमस्कार जोहार, अभी मैं हूँ मुरी जंक्शन में, और मुरी जंक्शन में बोकारो जिले के भी लोग आए हैं, तमाम कुर्मी समाज के अगुआ लोग इस रेल चक्का डर चक्का में भागीदारी निभाने आए हैं, अपने समाज के नाम में, अपने समाज के हक अधिकार के लिए। तमाम पीढ़ी लोग आने वाले, इनके पहले इनके दादा परदादा आंदोलन करते आ रहे थे, अब ये लोग आंदोलन कर रहे हैं आने वाले पीढ़ी के लिए। संघर्ष जारी है 1950 से, लेकिन अभी भी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं मानी है उसको लेकर। आप देख रहे हैं झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में आंदोलन हो रहे थे, सब लोग अपने अपने जगह पर कर रहे हैं। हमारे साथ बोकारो जिले के दादा, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आज आप लोग जो छठा और रेल का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, किस तरह का भीड़ आक्रोश दिख रहा है? देखिए, ये हमारा मांग आज से नहीं है, ये हमारा मांग मोटा मोटी 73 वर्षों से मांग है, और हमारे पूर्वज आदिवासी कुर्मी मतलब बनने क्या, मतलब हम लोग पहले से है। सरकार कारणवश मतलब बिना कारण बताइए, हम लोग को 1950 में जब संविधान बना तब हम लोग को, एक जनजाति हम लोग भी हैं, तो हम लोग को किसी कारणवश या उसका नोटिफिकेशन जाति है। आदिवासी लोग तो आप लोग हम लोग रेल ले जाके ना, रेल ले जाके तब से पहले उन लोग वीडियो बना रहे हैं। देखिए, बोलने वाला को बोलने दीजिए, रियल जनजाति हम लोग आदिवासी मिलके आप लोग भूईपोर है। भूईपोर किसको भूईपोर बोला जाता है? कृषि, जो हम लोग किसान खेत बनाए कोड़ के, आप पूरा मतलब देख सकते हैं, पूरा आप घूम के पूरा आंकड़ा लगाइए, सबसे मतलब ज्यादा जमीन किसके पास है? कुर्मियों के पास। क्यों? क्योंकि यहाँ का मूल वासी मूल भूमि कोड है, इसीलिए हमारे पास जमीन है, इसीलिए हम लोग आदिवासी 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 था, यहाँ का सबसे पुराना हम लोग है, इसीलिए हम लोग आदिवासी है। कोई बोल नहीं सकता कि हम लोग आदिवासी नहीं है, हमारा स्टेटस सिर्फ शेड्यूल ट्राइब में नहीं है, हम आदिवासी है। सरकार का मतलब क्या बोले, सरकारी लिस्ट में जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं विधानसभा से, मतलब राज्य में लड़ने लगते हैं, उसके बाद केंद्र पास जैसे लेटर पहुंचने लगता है, तब एक कैमरा आ रहा है उधर, जैसे केंद्र तक पहुंचने लगते हैं, कुछ लोग आदिवासी लोग तोड़ने में लग जाता है आप लोगों को। वो देखिए, उनका अपनी मतलब राजनीतिक मंशा है कि हम लोग को जब कुर्मी स्टेटस में आ जाता है आदिवासी में, तो उन लोग का सोच है कि हमारा मतलब जो विधानसभा या पंचायती राज में, उन लोग का डर है कि कहीं ना कहीं कुर्मी लोग का अधिकार जमाएगा, लेकिन ऐसा बात है नहीं। हम जाके क्या एसटी सीट गुमला में है तो मेरी जनसंख्या वहाँ नहीं है तो हम क्या जाके वहाँ चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मेरी जहाँ जनसंख्या है वहीं हम चुनाव लड़ेंगे, और ये मेरा अधिकार है जो कुर्मी हम हमारा 73 साल से आज हमको सरकार बोलते हैं, वो बोलता है हम लोग फॉरवर्ड कास्ट है। फॉरवर्ड कैसे? सरकार हमको आप लोग डाल दिया नहीं, लेकिन हम लोग फॉरवर्ड है ना, संस्कृति मेरा। देखिए, मेन मेगाचार है, हम लोग मेन मेगाचार करते हैं, हम लोग किसी बावन पुरोहित से हम लोग कुछ काम कराते नहीं है, तो हम लोग कैसे हो गए, हम लोग की फॉरवर्ड हो गए, अपना काम अपने खुद करते हैं हम लोग। कई को पर्व है, हम लोग का 12 मास से 13 पर्व है, हम लोग का हर पर्व हर त्योहार हम लोग का कृषि से जुड़ा हुआ पर्व है, इसलिए हम लोग अभी देखिए अभी करम पर्व आ रहा है, हम लोग का करम भी कृषि से ही हम लोग का जुड़ा हुआ पर्व है, तो इसलिए हम लोग का सब अपना पर्व है, हम लोग का धान से ही हम लोग को सारा 12 मास से 13 पर्व है। काहे हटाया था, कौन सा ऐसा कारण? तो वही तो सरकार को बताना चाहिए क्यों हटाया क्यों नहीं है, क्या कर रहे दादा? हटाया कभी नहीं है, जानकार व्यक्ति होंगे लग रहा है, नोटिफिकेशन करके हटाया नहीं गया सरकार की ओर। नोटिफिकेशन किसी चीज को हटाने 1932 से ही हम लोग 52 से ही आदिवासी हैं, सो हैं, हटाया नहीं गया, केवल आदिवासी का फैसिलिटी नहीं दिया गया, आप लोग को फैसिलिटी ही नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, क्यों पता नहीं सरकार को। और हम लोग बराबर आंदोलन होते रहा, जब झारखंड और बंगाल बिहार बंगाल एक था ना उस समय से, सूत्रों से हवाले कुछ लोग यह भी कर रहे हैं कि कुर्मी लोग को बांटने के लिए कुछ हिस्से को बंगाल में भेज दिया गया, कुछ को उड़ीसा में भेज दिया गया, कुछ को और झारखंड में छोड़ दिया गया। हाँ, नहीं, ये बात सही है, जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है ना, मेदनापुर बांकुड़ा पुरुलिया, ये 3 जिला बंगाल का, समझिए ना, मयूरभंज, हाँ मयूरभंज जो हो गया उड़ीसा, तो ये जो 4 जिला हम लोग को कुर्मी बहुल क्षेत्र है उसको काट दिया गया, 3 जगह बांट दिया। हाँ, 3 जगह बांट दिया। आप लोग का ये भी मांग रहता है कि बृहद झारखंड बनाया जाए? हाँ, ये मांग था पहले, बृहद झारखंड बनाने की बात थी, लेकिन जब अलग राज्य होने के बाद इसका अभी कोई
सुचारू रूप से अभी आंदोलन नहीं चल रहा है। क्या लगता है तुम्हें, आंदोलन सही है? सही है। कितने वर्ष की है के लिए है? हमारा 72-73 हो गया। तो आप जब जन्म लेंगे तब तो जन्मजात कुणबी होंगे? हाँ, आदिवासी कुणबी जात हुए, कुणबी जात हुए, जैसे कि गेदिया है, मांझी है, करमाली है, उसी तरह एक कुर्मी जात हुआ, वो लोग भी आदिवासी हैं, हम लोग भी आदिवासी हैं, लेकिन इन लोग को रखा गया और दूसरे को भी गंजू जो नहीं था आदिवासी में उनको अलग से जोड़ा गया। किसका सब करने पर कौन ऐसा कर सकता है जो कुर्मी को फिर से हक अधिकार एसटी सूची में आ जाएगा? ये आंदोलन आंदोलन दिन तक कीजिएगा दादा है? कितना दिन तक? जब तक नहीं देगा तब तक अनिश्चितकालीन का ये बोला गया है कि ट्रेन रोको आंदोलन, रेल रोको आंदोलन। इससे पहले भी बंगाल में हुआ, फिर आप लोग संसद भवन घेरने गए, हड़का जाम, मतलब तब तक नहीं छोड़िएगा जब तक एसटी सूची। और इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी केस करेंगे इस संबंध में, जब हमको नोटिफिकेशन करके नहीं दिया गया तो हम लोग बैकलॉग से भी मांगेंगे नौकरी, जो आदिवासी का जो फैसिलिटी मिलना चाहिए था जब से नहीं मिला है तो बैकलॉग से भी हम लोग मांगेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं दादा, जोहार। जोहार जोहार। आप क्या किस रूप में देखते हैं? तमाम लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ छोटे से बूढ़े सब लोग आए हैं, गरीब स्तर के लोग और भी मिडिल क्लास लोग सब लोग आए हैं, कोई नौकरी पेशा वाला भी आया है, जो गरीब घर से खेती बाड़ी करता है वो लोग भी आए हैं और सब समाज की मांग है, किसी व्यक्ति विशेष नहीं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए आ रहा है, ये लोग कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये स्वार्थ नहीं है, हम लोग अब देख लीजिए 1913 का, 1931 का अपना गजट देख लीजिए, 1950 में हम लोग को बिना कारण बताए हटा दिया गया है। हम लोग पहले थे 13 को, जितना जनजाति थे ट्राइब थे 13 में से केवल 12 है और एक नहीं है, वो ओनली है कुर्मी। तो कुर्मी बिना बताए क्यों हटा दिया गया? लड़ाई वही है, बाकी तो लड़ाई नहीं है। हम लोग थोड़े बोल रहे हैं कि हम लोग आदिवासी करो, अरे हम लोग पहले थे और उसको तुम क्यों हटा दिया? लड़ाई यही है, मतलब कि जो थे वही आप मांग रहे हैं? हाँ, हम जो थे हमको उसमें रख दो रे भाई, हम पहले थे। फिर से आपका अस्तित्व है, रघुनाथ महतो का बहुत चर्चा में रहता है, रघुनाथ। हाँ, तो सिंह मुंडा उसके बारे में, हम लोग का जो रघुनाथ महतो है उस समय तो एकदम खुद ट्राइब थे, उस ट्राइब में थे, अभी तो हम लोग को विश्वास में रख दिया है। वंशज है, वंशज तो हम लोग जरूर कोई ना कोई, जैसे मेरा गोष्ठी केटीआर हो गया, वो हिंदूआर गोष्ठी से थे, आप बोले कछवार गोष्ठी से है, एकासी हम लोग गोष्ठी है, टोटेम होता है ना, हम लोग का अपना स्टेटस एक पहचान होता है, तो हम लोग का 81 गोष्ठी मूल गोष्ठी का यदि बोले तो हम लोग 81 मूल गोष्ठी के आदमी है। हम लोग का अपना गोष्ठी में अपना मतलब शादी ब्याह नहीं होता है, और हम लोग का जैसे क्या बोले अपना मतलब एक गोष्ठी का हम लोग निषेध, जैसे हम कछुआ तो कछुआ को हम लोग पूछते हैं, इसी तरह हम लोग का अपना देखिए काशी का बिल्कुल 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 तो सब जैसे हुआ काशी से वो सब नहीं इसी तरह के जरूर। अच्छा, क्या लग रहा है कैसे, मतलब कितना भीड़ है यहाँ पर? देखिए हमारे ये आक्रोश है हमारे समाज के लोगों पर, कहा कि 70-73 साल के हम लोग को अभी तक सरकार मतलब क्या बोले, हम लोग को आरक्षण से बाहर रखा है, हम लोग का अपना संस्कृति आज हम लोग का एकदम मिटते जा रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग का देखिए हम लोग का आदिवासी होना, ये मतलब लोग सोचता है कि ये लोग आदिवासी छोटा जाति, ये छोटा और जाति का बात नहीं होता, ये जनजाति मतलब हम लोग भुईफोड़ उसी को बोलता है, बसकेत आदि बसकेता, यहाँ जो बसने वाला सबसे पहले आदमी होता है उसी को आदिवासी बोला जाता है, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते इसीलिए लोग बोल देते हैं आदिवासी एक जाति होता है, छोटा जाति होता है, ऊंच नीच भावना की तरह से उसको बोला जाता है, लेकिन ये बात नहीं है, आदिवासी का मतलब सबसे पुराना। आज पहला दिन है आंदोलन का, बिल्कुल अभी जो लोग अभी भी घर में है आपके समाज के, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए सभी से मेरा आग्रह है कि सबको आवे अपना मतलब बाल बच्चा अपना मतलब आने वाला पीढ़ी का लड़ाई को लड़के, हम मतलब क्या बोले अपना पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए सभी समाज का, पूरे समाज को, ये नहीं कि व्यक्ति विशेष का, ये राजनीतिक मतलब ये पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है, हम लोग को सबको मिलजुल के लड़ाई लड़ना चाहिए, काहे कि हम लोग को देखिए बहुत दिनों से सरकार हम लोग को, आज हमारा जनसंख्या भी देखा जाए मतलब झारखंड, हम लोग बंगाल उड़ीसा और झारखंड में तो मोटा मोटी 3 करोड़ के लमसम है, तो देखिए हम लोग अभी कितना बांटने का प्रयास किया, हम लोग को बंगाल उधर 2-3 मतलब जिला को बांट दिया, उड़ीसा को मतलब बृहद जो हम लोग का एक मांग था उसको बांट के अभी हम लोग कुर्मी को मतलब बिखरने का काम किया, और आज हम लोग देखिए लड़ाई अपना वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, मिट्टी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अपना मिट्टी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ये नहीं कि हमारा आरक्षण मिल गया तो हम कहीं आरक्षण की भी नहीं, अपना सबसे पहला तो मेरा मिट्टी बचे,
मिट्टी बचे, संस्कृति बचे, तब ना हम आदिवासी हैं। आदिवासी रहने का मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा सब चीज बचना चाहिए, अपना धर्म भी हमारा है सरना धर्म, वो भी बचना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी दूसरे धर्म को घुसा लिए और हम बोलेंगे आदिवासी हैं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अपना धर्म को भी बचाना चाहिए, अपना हमारा 12 मास 13 पर्व है उसको भी हम लोग को बचा के रखना चाहिए। अभी करम आने वाला है, हम लोग धान बोले दिए, हम लोग कृषिजीवी आदमी है किसान, तो हम लोग का पूरा पूरी त्योहार हम लोग का कृषि से ही हम लोग का रिलेटेड है, धान का ही हम लोग पूछते हैं, इसीलिए हम लोग आदिवासी हैं और रहेंगे। हम लोग को कोई ये नहीं कह सकता है कि आदिवासी नहीं है, सिर्फ सरकार का शेड्यूल में नहीं है। ये देख रहे हैं कि बोकारो जिले के व्यक्ति लोग जो आए हैं इस आंदोलन में कितने विस्तार पूर्वक अपने संस्कृति, सभ्यता और हक अधिकार को बताएं। बनाए रहे हमारे साथ, जय झारखंड, जय झारखंड।